हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजे कैनेडियन व्लॉगर्स। तो आज मैं आई हूँ अकेले जतिन के बिना। ये जो वीडियो है वो मेरे लिए है, मेरी स्टोरी है। जैसा कि आप लोगों ने अंदाजा लगा ही लिया होगा टाइटल को देख के कि मैं कैसे सक्सेसफुल बनी एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में आके। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी और मैं अपने खुद की स्टोरी बताने वाली हूँ यहाँ पर कि मैंने क्या क्या लाइफ के जो है चैलेंजेस यहाँ पे फेस किए, क्या कुछ सीखा और मैं इतनी सक्सेसफुल आज यहाँ पर हुई हूँ। आफ्टर 2.5 साल होने वाले हैं मुझे यहाँ आए हुए। तो मैं उन 2.5 सालों में मैंने जो है सक्सेसफुल कैसे हुई, क्या क्या चीज़ें मैंने करी, जैसे कि रूम शेयर करा अपनी फ्रेंड्स के साथ, और या मैं अपना जो है कोर्स कैसे चूज़ किया, जॉब कैसे ली, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को वो चीज़ें जो है आप उससे सीखो। सबकी स्टोरी जो है अलग अलग होती है, तो मैं आज अपनी खुद की स्टोरी लेकर आई हूँ। आपका जो है स्टोरी अलग होगा, आपकी प्लानिंग अलग होगी, तो आई होप आप भी मेरी स्टोरी से कुछ सीख सको। जब भी आप यहाँ आ रहे हो, अप्लाई कर रहे हो आप यहाँ आने के लिए, या आप प्लानिंग कर रहे हो यहाँ आने के लिए, तो आप मेरी उन टिप्स को अप्लाई कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट जो है मैं इसके बारे में डिस्कस करती हूँ वो है स्टडी रिसर्च। स्टडी रिसर्च से मेरा मतलब है कि मैंने डिसाइड कैसे किया कि मुझे कौन सा कोर्स लेना है और कौन सा कोर्स नहीं लेना है। तो आप लोग देखो, आप जब अप्लाई करते हो स्टडी वीजा के लिए तो आपको नहीं पता होता कि क्या चल रहा है, बट जो कंसल्टेंट्स हैं वो आपको काफी पुश करते हैं कि आप ये कोर्स ले लो, आप वो कोर्स ले लो, बट वो कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं है, मतलब मैं अपनी कहानी बता रही हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि आप किस तरीके का ये कोर्स लो, बट मेरा मोटिव था कि मैंने ऑलरेडी बैचलर्स इन एजुकेशन की हुई है, मैं ऑलरेडी मास्टर्स थी किसी और में, मतलब मेरी मास्टर्स इन वुमेन स्टडीज है, मैं ऑलरेडी एक मास्टर्स हूँ वहाँ पे। तो मुझे था मैं अपनी एजुकेशन वाले ही कोई हम आगे लेके जाती हूँ, तो मैं वहाँ पे मास्टर्स इन एजुकेशन लेती हूँ। तो कंसल्टेंट जो थे वो काफी मुझे पुश कर रहे थे कि नहीं, आप जो है कॉलेज में जाकर ये कोर्स ले लो, ह्यूमन रिसोर्स ले लो या कुछ और ले लो, 6 मंथ का कोर्स ले लो और आप बस पहुंच जाओ। तो मुझे नहीं, मैं अब यहाँ जा रही हूँ तो मुझे क्या है अपना कोर्स जो है आगे अपना करियर बनाना है, मैं अपना करियर परस्पेक्टिव देख के जल्दी। तो सबसे पहली पॉइंट मेरा यही है कि मैंने प्लानिंग किया था कि मैं बीएड कर चुकी हूँ, मुझे आगे मैं एमएड लेना है ताकि मैं आगे उस टीचिंग में जाऊँ, क्योंकि मेरा जो ऑलरेडी टीचिंग एक्सपीरियंस था इंडिया में मैं वही प्रोसीड करना चाहती थी, तो मेरा वो काउंट भी हो जाए और मैं जब कनाडा में जाकर टीचर की जॉब लगूँ तो वो टीचर की जॉब भी हो, अच्छी जॉब्स में आ जाती है। तो मैं अच्छी व्हाइट कलर जॉब करूंगी वहां जाके, मैं क्यों करूँ छोटा मोटा कोर्स। तो मेरी ऑलरेडी वो फील्ड चल रही थी, मैं फील्ड में ही गई आगे, मैंने कंसल्टेंट की बात नहीं सुनी। तो आप लोग भी वैसा ही कीजिएगा, कंसल्टेंट्स की बात मत सुनिएगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पहले की वीडियोस में बताया कि कंसल्टेंट्स का जो है यहाँ पर कमीशन होता है। बट हाँ, मेरा जो भी कंसल्टेंट था जिससे मैंने फाइल लगवाई, मैंने उसको बताया, इवन दो मैंने कोर्स के साथ साथ अपनी यूनिवर्सिटी भी चूज करी कि मुझे किस एरिया में जाना है, तो मुझे 2 यूनिवर्सिटीज से इस कोर्स के लिए आ गया था। एक था लेखड़ यूनिवर्सिटी जिससे मैंने अपनी स्टडी पूरी, और एक आया था टोरंटो यूनिवर्सिटी से। तो अगर कुछ बच्चे बोलेंगे कि यूनिवर्सिटी जो है वो काफी महंगी है, उनका नेगेटिव व्यू भी हो सकता है उसके लिए, मुझे क्योंकि सुनने को बहुत मिलता है कि तुम बहुत महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या फिर कॉलेजेस जो है उनकी फीस कम होती है, बट मुझे कोर्स जो मिला वो यूनिवर्सिटी में ही मिला। हाँ, वो महंगा था एज कम्पेरेटिव कॉलेज से, बट हाँ मुझे फायदा हुआ उसका। तो आप लोग जरूर वही देखना कि जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपकी फील्ड में हो, ताकि आपका पुराना जो एक्सपीरियंस है वो भी काउंट हो, आपकी वो स्टडी भी काउंट हो और कंसल्टेंट्स के बहकावे मत जाना। तो स्टडी तो मैंने अपना चूज कर लिया, मैं कनाडा भी पहुंच गई। उसके बाद क्या हुआ, मैं आई कनाडा तो मुझे जॉब चाहिए थी, क्योंकि मेरा लोन चल रहा था स्टडी का, मैं लोन लेकर आई थी। तो हुआ क्या कि मैं आई कोविड टाइम पे थी, आपको याद होगा जब मैं आई हूँ 2021 में, तो जैसे ही मैं आई, आई थिंक मेरी 17 अप्रैल की फ्लाइट थी और 18 अप्रैल को फ्लाइट्स बंद हो गई थी कनाडा के लिए इंडिया से। तो हम लोग बहुत लकी थे जो लोग वहां उस टाइम आ गए थे, आफ्टर 1 मंथ आई थिंक फ्लाइट शुरू हुई थी। तो वो कोविड टाइम बहुत पीक पे था, मैं 15 डेज क्वारंटीन में रही वहां पे। तो मैंने उन 15 डेज को यूज किया, वेस्ट नहीं जाने दिया, क्योंकि मुझे था मुझे बाहर जाके जो है जॉब तो लेनी ही है। एक तो कोविड चल रहा है, जॉब वैसे ही उसकी मारामारी होगी, बच्चे जो है वो आए हुए हैं पहले के भी जो आ चुके हैं, तो मारामारी बहुत थी गाइस। तो मुझे था कि मैं 15 दिन अपने यूज करूं। मैंने उन 15 दिनों में इंडीड और जो भी मेरे को लगा कि मैं जहां जहां पे अपने रेफरेंसेस से भी जॉब ले सकती थी, मैंने काफी ज्यादा अप्लाई किया। मैंने 100-200 जॉब जो अप्लाई की और मुझे 1-2 से इंटरव्यूज आ गई थी इन बिटवीन वो 15 डेज में। तो मैंने उन 15 डेज को यूज किया। तो अगर आप लोग भी नए नए आ रहे हो और आपको लगता है कि आपका वीजा आ चुका है, तो आप अपनी वो जॉब जो है अप्लाई
अप्लाई करना शुरू कर दो, वहीं से रेफरेंसेस यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स आज भी हैं, बट मैं आपको भी बोल रही हूँ कि आपका 100% एफर्ट्स है वो वहाँ पे काम आने चाहिए। तो मैंने वो 15 डेज को यूज किया, इंजॉय भी किया बच्चों की तरह, मतलब जो बच्चे पार्टी वाले हैं मैंने वो भी किया, मतलब पार्टी अकेले तो क्या करती थी, क्वारंटीन में थी, बट मूवीज देखी, खाना बनाया, बट मैंने एक टाइम पीरियड किया हुआ था, प्लानिंग की हुई थी कि मैंने एवरी डे इतनी जॉब्स अप्लाई करनी है। आई नो कि 100-200 जॉब अप्लाई करना इजी नहीं है, बट हाँ वहां से जब मुझे जवाब आया और मुझे जॉब मिल गई थी विद इन 7 डेज जब मैं क्वारंटीन से बाहर निकली हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी, खुशी की बात थी कि वाओ मेरी इनकम शुरू हो गई है, मैं कुछ पैसे इंडिया भेज सकती हूँ और अपने लिए भी मैं अपने पैसे रख सकती हूँ कि मुझे यहाँ पे भी सर्वाइवल करना है। तो क्वारंटीन से बाहर आ गए, अब क्या चाहिए, घर चाहिए। तो घर जो है वो मैंने इंडिया से ही सर्च करना शुरू कर दिया था। तो मैं ओपन थी कि शायद मुझे किसी के साथ शेयर करना भी पड़े, क्योंकि मैं कभी इंडिया में अपनी खुद की सिटी से बाहर नहीं गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं आपको पता है चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी सारी स्टडी करी है। तो मैंने काफी घरों को सर्च किया, जतिन ने मेरी काफी हेल्प करी, हमने फेसबुक जो है मार्केट प्लेस वहां से काफी घर जो है मिले हमें। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया कि मैंने अपनी जो है अकोमोडेशन कैसे ढूंढी, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आ रहा होगा, तो आप लोग वो देख सकते हो। तो जैसे कजीजी है, मार्केट प्लेस है, मे बी और भी सर्च इंजन बन चुके होंगे अब, तो मैंने उन जगहों से मैंने सर्च किया, जतिन ने मेरी काफी हेल्प करी, तो हमें घर जो है मिल गया था। तो घर जब मिल गया तो ऐसा नहीं था कि मैंने उनको पैसे पे किए, उन्होंने मुझे एग्रीमेंट भेज दिया था, उन्होंने मेरे से मेरे पासपोर्ट की कॉपी मांगी थी, तो मैंने पैसे जो है वो यहीं आके पे किए, क्योंकि पता नहीं था कि क्वारंटीन में अभी हम चल रहे हैं, कोविड टाइम चल रहा है, क्या पता मुझे कोविड निकल जाता और मुझे और टाइम रुकना पड़ता, तो मैं वो पैसे नहीं पे करना चाहती। और वो भी अच्छे से उन्होंने बोला जब आप आओगे तभी पे करना। मोर ओवर रूम शेयरिंग की बात आती है कि आप लोग जैसे अगर आप लोग पुराने मुझे देख रहे हो तो आपको पता है कि मेरी हाउसमेट थी, रूममेट थी और मेरी क्लासमेट थी, वो थी अमन। लकीली मुझे बहुत अच्छी जो है रूममेट मिली, क्योंकि उसको कोई ये नहीं था कि वो स्मोक करती है, अल्कोहल ही क्या, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये इशू आता है। तो मैंने ये सर्च कैसे करी कि मुझे अच्छा रूममेट चाहिए, जैसे हमें ईमेल्स आती हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, कि आप लोगों के ये कोर्स है, इसमें आपके ये बच्चे हैं इस कोर्स में। तो मैंने जब देखा कि उसमें ओके कौन से कोर थे, गिल थे, या जो भी है ना, जो भी इंडियन कम्युनिटी के लोग थे, तो मैंने उन सबको मैसेज कर दिया, ईमेल कर दिया, क्योंकि सिर्फ ईमेल आईडी थी। तो ईमेल से हमारी बात हुई, मेरी 3-4 लड़कियों से बात हुई, कुछ लोग जो थे वो कहते थे हम सिर्फ टोरंटो ही रहेंगे और हम ऑनलाइन करेंगे, बट अमन से मेरी बात हुई तो अमन के साथ मेरी फोन पर बात हुई, हमने नंबर एक्सचेंज करे, हम फिर व्हाट्सएप पे बातें करी। तो जब मेरी उसके साथ बातें हुई तो हमें ऐसा लगा कि ओके हमारी कंपैटिबिलिटी मिलती है, कि मैं भी मतलब सिंपल हूं और वो भी अच्छी है, तो हम दोनों का काफी अच्छा तालमेल जो है मिल रहा था। तो मैंने उसको पूछा कि अगर रूम शेयरिंग पे मिलता तो तुम मेरे साथ लेना चाहेगी, तो उसने कहा हाँ। तो रूम शेयरिंग करने का ऑप्शन ये अच्छा था, क्योंकि अकेले इंसान को रूम मिल रहा था 500 में, जब हम दोनों ने लिया था 700 में दोनों को मिल गया था, तो हमें 350 हमारा $150 वहां बच गया था। तो वो भी डिसीजन मेरा अच्छा रहा, फ्रेंड भी मुझे अच्छी मिली, वो अभी भी मेरी अच्छी फ्रेंड है, मतलब वो हमारा टाइम जो चलता गया। और उसके बाद ये भी हुआ कि मेरा ये भी मोटिव था कि मैं अपने क्लासमेट के साथ घर लूं या रूम लूं, ताकि हम असाइनमेंट्स बना रहे हैं उसमें हमारी हेल्प हो रही है, अगर हमारे एग्जाम्स हैं तो हम एक दूसरे को समझा सकते हैं, अगर तुझे वो समझ नहीं आया मुझे समझ नहीं आया, तो काफी सारी हेल्प हो जाती है। क्लासेस का टाइम सेम होता है, इकट्ठे जा रहे हो, इकट्ठे आ रहे हो, ग्रोसरी साथ में कर रहे हो, तो वो आपको डिसीजन लेना पड़ता है अपने यहाँ पर आके, ना फ्रेंड सर्कल चूज करो या रूममेट चूज करो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने बेकार रूममेट चूज कर लिया, अल्कोहलिक है, स्मोकर है, तो आपका जो पढ़ाई का जो सर्कल है वो खराब हो जाता है, या आपको रूम चेंज करना है, टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें। तो ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ था, तो उस वजह से मेरा जो है स्टडी का भी अच्छा रहा, सक्सेसफुल रही, हम लोगों ने अपनी स्टडी अच्छे से कम्प्लीट करी विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट पॉइंट जो से मैं सक्सेसफुल हुई वो था कि मेरी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन वो थी बिल्कुल जीरो। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं या मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली जो देख रहे हैं, मेरा कोई मोटिव नहीं था कनाडा आने का या न्यूजीलैंड जाने का, वो जतिन का ही था, क्योंकि उनको इंडिया नहीं पसंद था, जो भी सिचुएशन बनी तो मुझे आना पड़ा एज अ स्टूडेंट यहाँ पर। हुआ क्या कि मैं यहाँ जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ तो आई थी यहाँ पे, बट वो मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। कैसे? क्योंकि मुझे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि मुझे क्या करना है, बस मैंने पता था मैं स्टडी वीजा लेकर आई हूँ, मैं अपना लोन लेके आई हूँ, तो मेरा फोकस सिर्फ एक ही था, स्टडी पूरी करनी है और साथ के साथ मुझे लोन जो है वो उतारना है, जिसके लिए मुझे क्या चाहिए था, जॉब, जो मुझे जॉब मिल चुकी थी विद इन 6-7 डेज, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा काम किया था ना 15 डेज के लिए तो अगर आप लोग भी वो करोगे तो आप भी अच्छा रहेगा। भाई जॉब मिल गई, स्टडी अच्छी निकल गई, तो मेरा मोटिव क्लियर था, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जैसे और आजकल जो बच्चे आते हैं, जैसे मैंने देखा है, उनको होता है आते ही ब्रांडेड क्लोथ ले लो, ड्रेसेस ले लो, शूज ले लो, बैग ले लो, या फिर गाड़ियां ले लो, या घर ले लेना जाके अच्छा सुंदर सा, गंदे छोटे घर में नहीं रहेंगे। तो अगर आप ये एक्सपेक्टेशन लेके आ रहे हो तो क्या होगा, एक इंडिया में लोन चल रहा है ऑलरेडी स्टडी का, यहाँ आके आप पैसे उतने नहीं कमा पा रहे हो, इतना आप स्पेंड करने की सोच रहे हो, तो आपको लोन लेना पड़ेगा, तो क्या हो रहा है, डबल लोन हो रहा है आपका, और उसके लिए प्रॉब्लम क्या हो रही है, फेस
कौन कर रहा है वो प्रॉब्लम, आप फेस कर रहे हो, फिर बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो वहां सक्सेसफुल जो है वो बच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि वो आप ऑलरेडी रियलिस्टिक चीजों की तरफ ज्यादा सोच रहे हो, आप वो चीजें ज्यादा कर रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है आपका फोकस भी हट गया, पैसे आप फालतू में वेस्ट कर रहे हो, घर पे पैसे भी नहीं भेज रहे हो, तो चीजें जो है वो हिल जाती है। अगर आप डिप्रेशन में चले जाओ इस चीज की वजह से तो आपकी हेल्थ भी खराब हो रही है। तो मेरा क्या था, मैं स्टेप बाय स्टेप चलती रही, गो विद द फ्लो मेरा यहाँ पर सीन है, आज तक यही सीन है, जो भी चल रहा है मैं वर्क परमिट पर चल रही हूँ तो मेरा फ्लो के साथ ही चल रही हूँ मैं, जो भी नेक्स्ट स्टेप आता है मुझे होता है ओके चलते हैं अब इस पे। माइंड में प्लानिंग है बट ऐसा नहीं है कि मुझे महंगी चीजें लेनी है। जब हम सक्सेसफुल होंगे तो हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम अफोर्ड भी कर सकेंगे और माइंड में कोई टेंशन भी नहीं होगी, क्योंकि किसी से लोन नहीं लेना पड़ेगा उस चीज के लिए, राइट? कि अगर हम अच्छे सक्सेसफुल हो गए हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, अपनी सेविंग हमने कर लिया, लोन उतार दिया है, घर पे सब हैप्पी है, तो अब खुद के लिए टाइम करो। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग मत खरीदो, मत करो, मैं भी करती हूँ, बट मैंने अब करना शुरू किया वो चीजें, ब्रांडेड चीजें लेनी, वही मैं कहती हूँ कि आप लोग भी वही करो। जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए मैं यही मैसेज देती हूँ, आ रहे हो एक दो साल का प्लानिंग करो कि आप जो है वो चीजें ना करो, जो चीजें जरूरी है वो लो, अननेसेसरी फालतू के खर्चा मत करो, शॉपिंग मत करो, क्योंकि पैसे आपके लिए काम आएंगे, इंडिया वापस पैसे भेजने हैं। तो नेक्स्ट चीज बताती हूँ कि जो मुझे सक्सेसफुल होने में जिसने मेरी हेल्प करी वो थी, मैंने अपना पार्ट टाइम जो करियर था, पार्ट टाइम जो जॉब थी उसको मैंने फुल टाइम में बदला। वो काफी हार्ड था मेरे लिए और कंफ्यूजिंग डिसीजन भी था, बट हाँ डिपेंड करता है कि आप लोग किस फील्ड से आ रहे हो या आपका जो है आगे का क्या प्लानिंग है। तो मैं पार्ट टाइम जॉब जो आपको पता है फूड इंडस्ट्री में कर रही थी, तो मैं अभी भी फूड इंडस्ट्री में ही हूँ, बट मेरा जो फील्ड है वो है टीचिंग का। तो मुझे अगर मैं टीचिंग में जाऊँ, बट इन दी एंड मेरे माइंड में था एक जगह पे कि ओके मुझे अब मुझे चाहिए क्या है, परमानेंट रेजिडेंसी। तो स्टडी तो हो गई, जॉब भी मिल गई, जतिन भी यहाँ आ गए, सब कुछ सेट है, अब क्या चाहिए, परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए। तो वो पीआर लेने के लिए मैंने सोचा मैं इसी में जाती हूँ, कोई बात नहीं टीचिंग की जॉब मैं फिर कर लूंगी, फील्ड जॉब मिल जाएगी। बट थंडरबे में यहाँ पे जॉब थोड़ी कम भी है, तो मैंने उसी अपनी पार्ट टाइम जॉब को फुल टाइम बना लिया। वो मेरी कहानी थी, बट आप लोगों का जो है डिसीजन कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि आपकी पार्ट टाइम जॉब में भी कुछ और होगी और उसमें आपको फुल टाइम में उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा। बट मैंने देखा कि मुझे पीआर जो है इजीली इसमें मिल सकती है, तो मैंने सोचा मैं इसी को फुल टाइम बना लेती हूँ और मैं भी वही कर रही हूँ। मैं जो बेसिक चीजें सोच के कर रही हूँ वो चीज आप फॉलो करो कि आपका मोटिव क्या होना चाहिए आगे जाके। मुझे आज भी क्वेश्चन आते हैं कि आप अगर अपनी स्टडी में नहीं कर रहे हो तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप अपनी स्टडी में ही क्यों नहीं जा रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, दूसरा ये था कि पीआर है। तो आप लोगों का डिसीजन कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और था, सबका एक अपना लाइफ का एक्सपीरियंस चल रहा होता है। पर मैं ये नहीं कहती कि फील्ड जॉब में मत जाओ पीआर के वजह से। अगर आपको लगता है कि आपकी फील्ड जॉब में आपको पीआर मिल रही है, आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, जब आप वर्क परमिट पे हो, पार्ट टाइम में हो, तो आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। ओके, अब आपका पीआर आने का टाइम हो गया तो आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, वो एम्प्लॉयर आपको जो है वो सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। जैसे मेरी काफी फ्रेंड्स हैं, वो कोई बीसी मूव हो गया, कोई वैंकूवर चला गया, कोई टोरंटो साइड चला गया, क्योंकि उनको फील्ड जॉब मिल गई। जैसे मैंने बताया मेरी फ्रेंड्स यहाँ पर भी हैं, बट उनकी एक प्लानिंग है कि हाँ उनको वहां से पीआर मिल सकती है। तो क्योंकि हमारा मेन मोटिव इंडिया से ये सोच के आते हैं स्टडी के बाद पीआर तो चाहिए जल्दी से जल्दी, ताकि हम आगे लाइफ अपनी चला सके। तो इसलिए मेरा मोटिव जो है कुछ और था, आप लोगों का कुछ और होगा। तो आप लोग अपनी फील्ड जॉब की जरूर देखना, ये जरूर देखना कि वो एम्प्लॉयर कैसा है, आपको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये तो सारे सक्सेसफुल पॉइंट्स हैं जो मैंने बताया कि मेरी लाइफ अभी तक सक्सेसफुल कैसे चल रही है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि बेसिक चीजें जो है सबकी सेम होती है, जैसे स्टडी लेना, जॉब लेना, घर लेना, शेयर करना रूम या नहीं करना, वो आपका खुद का डिसीजन होता है। बट अगर आप इसको कॉपी करोगे, फॉलो करोगे, तो आप उलझ जाओगे। तो वहां आप अपना माइंड यूज करो, आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए कि आप यहाँ क्यों आ रहे हो, जो लोग यहाँ पर आने वाले हैं वो यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, कि आप ज्यादा हैप्पी रहोगे यहाँ आके, वो चीजें आपको इंडिया पे नहीं मिल रही है। कुछ बच्चों को मैंने ऐसे भी देखा जो यहाँ आ जाते हैं फिर एक महीने बाद वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है नहीं यार यहाँ हो नहीं पा रहा है हमसे, तो वो भी हो जाता है। तो आपका जो है मोटिव क्लियर होना चाहिए कि आप यहाँ पर क्यों आ रहे हो, आपका आगे प्लानिंग क्या है लाइफ में, आपको फ्यूचर में क्या करना है। तो बहुत अच्छा है अगर आपका वो चीजें क्लियर है। अगर आप उसको कॉपी कर आ रहे हो, किसको फॉलो कर रहे हो कि फलाने का बेटा वहां चला गया या मेरी फ्रेंड चली गई है, पर हर एक का कैलिबर जो है वो अलग होता है। जैसे मैंने बताया बच्चे वापस चले जाते हैं, वो 20 लाख उनके खराब हो जाते हैं पेरेंट्स के। तो यही होता है कि आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए, कॉपी किसी को मत करो। ये मेरी लाइफ की स्टोरी थी कि मैंने कैसे कैसे सक्सेस पाई। तो अगर आप प्लानिंग करके आओगे तो 100% आप सक्सेसफुल होगे,
जैसे कि हम लोग अभी सक्सेसफुल हो रहे हैं उसी फेज में है क्योंकि हमारी माइंड में प्लानिंग चल रही है। तो ये थी मेरी वीडियो आप लोगों के लिए, अगर हेल्पफुल हुई है तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और मुझे जरूर बताना कमेंट करके कि आप लोग अगर यहाँ पर हो तो आप लोग कौन से फेज में चल रहे हो। स्टिल आपको कोई हमसे क्वेश्चन है या आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारे इंस्टा के अकाउंट पे लिंक का बायो में दिया गया है उसको फॉलो कर सकते हो, उस पर मैसेज कर सकते हो और हम लोग जल्दी से जल्दी रिप्लाई करते हैं, और हमें काफी अच्छा लगता है आप लोगों की हेल्प करके क्योंकि आप लोग भी एक ब्रदर सिस्टर के जैसे ही हो, इंडिया से आए हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जो लोग नए हैं फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वो भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।